24 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 यहाँ के इंचार्ज पीआई नंद कुमार गोपाले, इनको एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, एक सूचना मिली थी, जिसके तहत ये पता चला कि एक व्यक्ति ड्रग्स एमडी मेफेड्रॉन यह डिलीवरी करने के लिए मुंबई के सबर्बन इलाके में आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन के चलते वहाँ पर लीगल एक्शन ली गई, रेड पार्टी को ले जाके रेड की गई। इसमें उस्मान अनवर अली शेख इसको हिरासत में लिया, उसके पजेशन से 139 ग्राम एमडी जिसकी मार्केट की कीमत करीब करीब 5.5 लाख रुपए, यह भी जब्त की गई। ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में इसमें क्राइम रजिस्टर करने के बाद में आगे के इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चला कि उस्मान अनवर अली शेख इसने यह एमडी अबू सुफियान खान इससे लिया है। इसके चलते उसका भी सर्च करके उसको अरेस्ट किया गया। दोनों को अलग अलग तारीख में कोर्ट के सामने हाजिर करने के बाद आगे के तफ्तीश के लिए हमें 28 तारीख तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। सर, ये बॉलीवुड में किस ड्रग अपना एमडी का सप्लाई करते थे क्या, और सर ये डिलीवरी बॉय से कैसे कनेक्ट करके करते थे सर? हमारे शुरुआत के जांच में ये पता चल रहा है कि उस्मान अनवर अली शेख अपने क्लाइंटेल को यह ड्रग्स का सप्लाई करने के लिए कुछ लोगों को इस्तेमाल करता था, अपने एजेंट को इस्तेमाल करता था। इस तरह की बात भी सामने आई है कि यह एजेंट जोमेटो जो खाने की चीज़ें होटल से अपने क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस बात की हम पुष्टि के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बारे में जो आगे उसमें आरोपी निष्पन्न होंगे उनको भी उस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये कोई एक्ट्रेस वगैरह को भी देते थे क्या, इन लोग अभी तक कुछ सामने आया क्या बॉलीवुड का? अभी हमें दोनों के इंट्रोगेशन में और उनसे मिली जानकारी में कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं।